पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 24 अब मैं करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है नेहा परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 ए मशीन कॉस्टिंग ₹13,500 एंड स्पेंड ₹2,500 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन। क्वेश्चन में लिखा है कि नेहा ने इस क्वेश्चन के अंदर जो मशीन खरीदी है वो 1 अप्रैल 2010 परचेज की है। ये जो असेट परचेज की गई है वो 13,500 की है और इसके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हुआ वो 2,500 का खर्चा हुआ। अगर इसे आप ऐड कर लें तो टोटल ये ₹16,000 की फर्स्ट हमारी असेट जो है वो क्रिएट होती है। आगे इसके बाद लिखा है शी परचेज अनदर मशीन ऑन 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 को उसने एक और नई मशीन परचेज कर ली है। जो नई मशीन उसने खरीदी है वो ₹24,000 की खरीदी है और इसके ऊपर कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं गिवन है, तो ₹24,000 की ये सेकेंड मशीन हो गई है। फिर लिखा है 30 जून 2012 को, 30 जून 2012 को उसने क्या किया, सेल कर दिया है। शी सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर ₹10,000। जो पहले नंबर की मशीन उसके पास थी उसको उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया। और कितने में सोल्ड आउट कर दिया है, ₹10,000 में। आगे कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है इन मशीनों पे 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सी डेट पे चार्ज करना है, December 31st पे चार्ज करना है और कब तक चार्ज करते रहना है आपको, 2013 तक आपको चार्ज करना है। तो ये तो आपका हो गया इस क्वेश्चन का पूरा समरी पार्ट। अभी देख लेते हैं इसमें अकाउंट उसने कौन कौन से पूछे हैं। इसमें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अप टू द ईयर 2013। आपको सिर्फ मशीन अकाउंट नहीं बनाना है बल्कि उसके साथ क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के करीब करीब 7-8 मेथड है जो कि आपके सिलेबस में। 11th क्लास में आपने सिर्फ 2 ही मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये जो मेथड है उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की फिगर चेंज होती है, अकाउंट में दिखाने का तरीका सेम रहते हैं। इस साल आपको और भी नए मेथड आएंगे, एक सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड आएगा, एक एन्युटी मेथड आएगा, एक डेप्लीशन मेथड आएगा, नए मेथड होंगे। जितने भी ये मेथड है उनमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की फिगर कैलकुलेट करने का तरीका बदलता है। ये तो हुई कैलकुलेशन की बात, शो करने के तरीके भी 2 है। अकाउंट में दिखाने का डेप्रिसिएशन 2 तरीके, चाहे 10 मेथड लगाओ लेकिन 2 तरीके से आप डेप्रिसिएशन बुक्स में शो कर सकते हो। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो नेट बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेट बेसिस का मतलब होता है जैसे ही डेप्रिसिएशन लगता है हम मशीन अकाउंट में एंट्री करके उसका बैलेंस नेट कर देते हैं। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद बचा हुआ बैलेंस दिखाने लगते हैं। दूसरा ये जो सिस्टम होता है जिसमें हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें हम असेट में से वैल्यू को लेस ना करके डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। एक्यूमुलेट करने का मतलब हुआ कि बैलेंस जो डेप्रिसिएशन का होगा वो बड़ा करने लगेंगे बजाय असेट की वैल्यू को छोटा करने। तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें आप डेप्रिसिएशन क्या करते थे, मशीन के अकाउंट में डाल के उसका नेट बैलेंस ले आते थे। अब डेप्रिसिएशन तो लगेगा लेकिन उसे मशीन अकाउंट में नहीं बल्कि अलग से एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन कर देंगे, उसमें डालना शुरू करेंगे। बाकी अकाउंटिंग सेम रहेगी। इसके अंदर अगर देखें तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2010 को मशीन खरीदी है, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2010 एक एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल वैसी होगी एंट्री, कोई फर्क नहीं होगा। कितने की मशीन हमने खरीदी है, 13,500 की मशीन और 2,500 इंस्टॉलेशन, दोनों मिलकर मशीन कितने की हो गई है, ₹16,000 की मशीन हो गई है। फिर इस साल और कोई डील नहीं है। 31 दिसंबर आता है तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 31 दिसंबर 2010 डेप्रिसिएशन। लेकिन पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आप देखें तो 2 मशीनें आप खरीदेंगे तो 2 डेप्रिसिएशन निकलेंगे। डेप्रिसिएशन का एक तरीका क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। एक तो आपकी कॉस्ट होगी प्लस उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस की जाएगी और जो परसेंटेज है उससे उसे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये करेंगे, ये काम हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट मशीन के साथ और एक बार सेकेंड मशीन के साथ। फर्स्ट मशीन 13,500 की है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उसमें 2,500 है, स्क्रैप कुछ भी नहीं है और उसके साथ 10% अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ₹1,600 पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन 1,600। दूसरी मशीन हमारी कितने की है, दूसरी मशीन हमारी 24,000 की है, इंस्टॉलेशन इसमें कुछ भी नहीं है, स्क्रैप भी कुछ भी नहीं है, 10% अगर निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹2,400 पर एनम।
तो जब आपकी 31 दिसंबर आती है, आप क्या करते हैं, डेप्स लगाते हैं। अभी तक आप डेप्शन कैसे लिखते हैं, बस फिर से मैं नोट करके दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। आप यहाँ पे लिखते आए हैं आज तक डेप्शन, डेप्शन अकाउंट। फिर आप डेट चेक करते हैं, डेट क्या पूरा साल है, नहीं तो साल पूरा नहीं हो पाया। कितने दिन हो पाए, तो 9 महीने हो पाए। अप्रैल से हमने मशीन को यूज़ करना शुरू किया, दिसंबर पे साल ख़त्म हो गया। हम बोले जी फर्स्ट मशीन के ऊपर 9 महीने का डेप्शन लगाए हैं। कैलकुलेट करें तो कैसे पता चलेगा, 1600 रुपये का डेप्शन है पूरे साल का। तो 9 मंथ्स का डेप्शन कितना हो जाएगा, 1200। यही है ना, यही सीखा अभी तक। लेकिन इस सिस्टम में, जो नया सिस्टम है, हम इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हमारी डेप्रिसिएशन की जो जर्नल एंट्री बनती थी, मैं लिख रहा हूँ, अभी तक जो जर्नल एंट्री हमारी बनती थी वो बनती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो आपको मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालना पड़ता था डेप्शन, डेप्शन होता था डेबिट और मशीन हो जाती थी क्रेडिट। अब हम इस एंट्री में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, हम डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे लेकिन मशीन की बजाय नाम यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर मेरी बात ये, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा लेकिन डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग मशीन अकाउंट में नहीं जा पाएगी। जब जर्नल एंट्री से मशीन का नाम हट गया तो पोस्टिंग भी मशीन अकाउंट से हटानी पड़ेगी। आप ये सेम एंट्री यहाँ के बजाय एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहाँ शो करेंगे और वही क्रेडिट साइड में शो करेंगे। एक बार देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 31 दिसंबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन 9 मंथ्स ₹1200। चेक कर लो, बिल्कुल सेम डेट, सेम नेम, सेम क्रेडिट साइड, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम है। जर्नल एंट्री में मॉडिफिकेशन हो गया, और क्योंकि जर्नल एंट्री मॉडिफाई हो गई इसलिए आप यहाँ पे ये चीज़ दो दो बार नहीं लिख सकेंगे, आपने एक डेप्शन एक ही जगह दिखाना है। नेट सिस्टम होता तो यहाँ दिखाते, वो अकाउंट ही ना खोलते। ग्रॉस सिस्टम है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेप्शन के लिए मशीन अकाउंट को नहीं बल्कि उस अकाउंट को यूज़ करना है। बात समझ में आ गई? इस एंट्री के होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका मशीन नेट नहीं हो पाएगा। नेट वैसे में पता है कि ये मशीन 16,000 की थी, उस पर कितना डेप्शन लग गया, 1200, 14,800 इसकी वैल्यू बचती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अकाउंट में आपको ये पूरा बैलेंस ही नजर आएगा। जब यहाँ पे आपने कोई एंट्री नहीं डाली तो आपकी मशीन का अकाउंट टोटल कब टैली करेगा, 16,000 है ना इधर, तो यहाँ पे 16,000 ही डालना पड़ेगा। रियलिटी में ये चीज़ 16,000 की नहीं है, 14,800 की, लेकिन आपका अकाउंट ग्रॉस वैल्यू पे बनेगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब ये नेट नहीं बैलेंस बताएगा बल्कि ओरिजिनल बैलेंस बताएगा। फिर 1 जनवरी 2011 हम बोलेंगे जी बैलेंस बीडी आएगा, कितना बैलेंस, पूरा नए जैसा बैलेंस होगा। लेकिन आपने एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया तो आपको एक टोटल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे ₹1200 और यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि न्यू ईयर 1 जनवरी 2011 में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 1200। डबल बैलेंस लिखेंगे, दो अकाउंट तो दो बैलेंस, इन दोनों को कभी मर्ज कर दोगे तो 14,800 बन भी जाएगा, एक डेबिट है और एक क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट तो एक दूसरे के दुश्मन समझो। नेट करने की कोशिश करोगे तो कट जाएगा बैलेंस। चलिए, इस साल 30 सितंबर 2011 को हमने फिर से एक मशीन खरीदी, तो यहाँ पे एक और बार एंट्री कर देते हैं। सेकेंड मशीन कितने की, 24,000। मशीन को खरीदने की एंट्री सेम है, बस डेप्रिसिएशन की एंट्री में मशीन का नाम हटा के उसकी जगह किसका नाम लगाना पड़ा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो एंट्री आपकी यहाँ पे जाने वाली होती थी वो यहाँ के बजाय कहाँ चली जाएगी, मशीन का नाम हटा के किसका नाम आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एंट्री तो जाएगी लेकिन वो एंट्री दूसरे अकाउंट में चली जाएगी, साइड भी वही रहेगी, लिखने का तरीका भी वही रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, और डेट भी वैसे गिनी जाएगी। ये पहली मशीन तो जनवरी से है और दूसरी मशीन कब से आई है, सितंबर ख़त्म होने के बाद आई है, तो पहली मशीन पे तो पूरा डेप्शन लगा देंगे लेकिन सेकंड मशीन पे डेप्शन 3 महीने का। यही एंट्री यहाँ करते थे, बस यहाँ से हटा के वहाँ कर रहे हैं, सेम एंट्री। फर्स्ट मशीन का कितना डेप्शन लगेगा टोटल, 1600, और सेकंड मशीन का 2400 रुपये डेप्शन तो पूरे साल का है, हम तो सिर्फ 3 महीने का लगाएंगे तो 600 हो जाएगा, और दोनों को मिलाएं तो 2200 रुपये इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। सबको सही बात, टोटल कर लो, ये हो गया 40,000। ये जो 40,000 है ये 40 का 40 ही यहाँ पे आएगा क्योंकि इसमें हमने डेप्शन लगाया नहीं, लगाया तो सही लेकिन शो नहीं किया, बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट 16 की 16, सेकंड 24 की 24, और ये 40 का 40। सबको समझ आती है, डेप्शन लग रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा है अकाउंट में, और शो नहीं हो रहा इसलिए बैलेंस भी कम नहीं हो रहा। न्यू ईयर 1 जनवरी 2012 ये आके बन जाएगा बैलेंस बीडी फर्स्ट एंड सेकेंड,
16,000 एंड 24,000, ये मशीनें पुरानी हो चुकी है लेकिन बुक में बैलेंस नए वाला ही पड़ा दीजिए। यहाँ का भी टोटल करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा इसका टोटल? 3,400। यहाँ पे भी लिखोगे 3,400, क्या करोगे यहाँ पे फिर? 31 दिसंबर 2011 टू बैलेंस सीडी, जो कि न्यू ईयर 1 जनवरी 2012 क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। इस मेथड की खासियत यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होने लगता है। पहले वाले मेथड में मशीन छोटी होने लगती थी, इसमें डेप्रिसिएशन बड़ा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। चलो 2012 आ गया, 2012 के अंदर हमने 30 जून को अपनी एसेट को बेचने, तो जून में हम एसेट को बेचेंगे 30 जून 2012। यहाँ पर नॉर्मली जब हम असेट को बेचते हैं तो बेचने के लिए अलग से एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिसको नाम दिया जाता है क्या? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोज करने का मतलब समझते हैं ना, डिस्पोज करने का अलग, ख़त्म करना। तो आप जब असेट बेचने का टाइम आएगा तो एक अकाउंट और ओपन करेंगे सिस्टम में, कौन सा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। और जिस दिन भी आपको ये असेट बेचनी होगी, उस दिन उस असेट के जहाँ जहाँ बैलेंस पड़े हैं वो सारे बैलेंस इधर इकट्ठे करा देंगे। तो ये मशीन हमारी कहाँ पे, कौन सी मशीन बेचने वाले हैं हम? फर्स्ट मशीन कहाँ पे नज़र आ रही है आपको? पहले देखो, फर्स्ट मशीन ये नज़र आ रही है, कितने की है? 16,000 रुपये की। ये नई जैसी लग रही है, खरीदी थी तब भी 16,000 वैल्यू है, आज भी 16,000 वैल्यू है, लेकिन रियलिटी में पुरानी हो चुकी है। कोई बात नहीं, पहले इस मशीन को डिस्पोज के लिए लेकर आते हैं इस अकाउंट में। जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी अकाउंट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है? डेबिट में जो चीज़ पड़ी है उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री डाल दो, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 16,000 रुपये क्रेडिट साइड में, और क्या करने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ भैया? तुम्हें डिस्पोज करना है, इसलिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भेजने वाला हूँ। वहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। 30 जून 2012 कहाँ से एंट्री आई? मशीन अकाउंट से एंट्री आ गई है। तो जो मशीन यहाँ पे पड़ी हुई थी अब यहाँ से हट गई। देखो अगली बार तुम टोटल करोगे, 16,000 से 16,000 कट जाएगा, सिर्फ 24,000 वाली मशीन तुम्हारे हाथ में बची रह जाएगी। ये मशीन यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये तो नई सी लग रही है, क्या ये सच में नई है? पुरानी हो चुकी है, इस पर कई बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। और जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो तुमने कहीं पर शो भी किया होगा, कहाँ पर शो किया है? उधर शो किया हुआ है। अच्छा, क्या सारा डेप्रिसिएशन लगा दिया? अभी इस साल का डेप्रिसिएशन बाकी है। आपने देखो कौन सी डेट पर मशीन को बेचा था, जून के महीने में बेचा था, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए था, अभी तक आपने लगाया नहीं। लगाओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगाना, डेप्रिसिएशन का ये अकाउंट है, यहीं पे लगाएंगे। 30 जून 2012 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन। कितने दिन का पेंडिंग डेप्रिसिएशन है? 6 मंथ का। कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 1,600 रुपये, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, अब टाइम आ गया इस मशीन को सच में पुराना करने का। ये तो नई सी लग रही है 16,000 की, 16,000 की नहीं है, इस पर कई डेप्रिसिएशन लगे थे, लेकिन अभी तक हमने डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पे नहीं डाला, इसलिए नई सी लग रही है। बता सकते हो आज तक इस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था जो तुमने यहाँ पे अभी तक नहीं शो किया? जोड़ दो वहाँ से। फर्स्ट मशीन पे 3 बार डेप्रिसिएशन लगा है, एक 1200 है, एक ये 1600 है, और एक ये 800 है। यही तो डेप्रिसिएशन है, 3 बार डेप्रिसिएशन लगाया लेकिन अभी तक इसका बैलेंस अपडेट नहीं किया, इसलिए 16 की 16 नजर आ रही है। अगर मैं वो सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके लगा दूं तो ये पुरानी हो जाएगी मशीन, एक झटके में पुरानी हो जाएगी। हो जाएगी, कितना डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है फिर मुझे यहाँ पे? 1200 और 1600, 2800, 2800 और 800, 3600 रुपये का डेप्रिसिएशन है। तो मैं कहूँगा जी तुम्हारे ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं लगाया, लेकिन आज मैं लगाऊंगा, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 3600 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कौन सी डेट पे? 30 जून 2012। लेकिन इसे डेप्रिसिएशन का नाम मत देना, डेप्रिसिएशन के नाम की एंट्री तो पहले से हो चुकी है। ये सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा कहाँ पे किया गया था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो पहले लिखा था, देखो डेप्रिसिएशन तो पहले लिख चुका है। और खास बात यह है, अगर आपने क्रेडिट किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया, तो जिस अकाउंट का नाम है उसकी डेबिट साइड में भी आएगा। हम यहाँ पे भी पोस्ट करेंगे इसे 3600 रुपये, किस नाम से? 30 जून 2012। कहाँ भेजा ये डेप्रिसिएशन? हमने मशीन डिस्पोजल में भेज दिया। ऐसा करने से तुम्हारा डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जो मशीन यूज़ कर रहे हो उसी का डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेंगे, जो मशीन बिक गई उसका डेप्रिसिएशन भी मशीन के साथ चला जाएगा। अब ये मशीन पुरानी हो चुकी है, अब इसमें पैसे की एंट्री डाल दो। कितने पैसे मिले इस मशीन को बेच के तुम्हें? क्वेश्चन में गिवन है, कितने पैसे मिले? 10,000। और इसका नेट बैलेंस तुम्हारा ये बुक वैल्यू शो करेगा। 16,000 की चीज़ थी, 3600 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके लगा दिया, कितना बैलेंस बचा है इसके अंदर? बैलेंस बचा है इसका 12,400। पर 12,400 की चीज़ बेची कितने में? बैंक सेल,
10,000, तो आपको अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, यहीं पे लिख देना बचा हुआ पैसा लॉस ऑन सेल, और बाकी लॉस ऑन सेल कितना हो गया 2,400। तो इससे आपका वर्किंग नोट जो है वो बनाने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। लॉस ऑन सेल का वर्किंग नोट बनता था ना, ये बन गया 16,000 की मशीन, इतना डेप्शन, इतना कैश मिला, बाकी जो बचा लॉस है, इधर अगर बच जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसके साथ ही हमारी मशीन बिक गई है, सेकेंड मशीन सिर्फ हमारे पास बची है, उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। 31 दिसंबर 2012 डेप्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन डेप्शन वहाँ नहीं, यहीं पे लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डेप्शन कौन सी मशीन, और साल पूरा हो चुका है तो डेप्शन पूरा लगेगा कितना 2,400। जब असेट बिकेगी तभी यहाँ से डेप्रिसिएशन उस पर ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक असेट का डेप्शन इकट्ठा करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे, 4,200 प्लस 2,400 6,600, और 3,600 रुपये डेप्शन ने ट्रांसफ़र कर दिया था, 3,000 बचा भी 31 दिसंबर 2012 में टू बैलेंस सीडी, जो कि 1 जनवरी 2013 क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है सबको, यहाँ पे भी बैलेंस बचेगा, कौन सी मशीन का बैलेंस बचेगा, सेकंड मशीन, फर्स्ट मशीन हमने बेच दी थी, 24,000 रुपये का बैलेंस सिर्फ सेकंड मशीन का बचेगा, ठीक है ना। 2013 तक अकाउंट बनाना है, तो 2013 एक सिर्फ क्लीन ईयर होगा, पहले यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस बीडी कितना 24,000, और फिर 31 दिसंबर जब आएगा डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ लगाएंगे 31 दिसंबर 2013 कौन सी मशीन पे, और सेकंड का डेप्शन 2,400 रुपये, वहाँ पे लिखना ही नहीं है डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्शन लगाओगे इस वाले अकाउंट में लगाओगे 5,400। 31 दिसंबर 2013 इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी है, और नया साल 1 जनवरी 2014 होगा, ये बन जाएगा बैलेंस बीडी। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सिर्फ टोटल होगा 24,000 बाय बैलेंस सीडी, कौन सी मशीन का बैलेंस चलेगा, ये नई सी लगेगी, नई है नहीं ये, जब बेचेंगे तब पुरानी करेंगे, उससे पहले नई सी छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी सेकंड मशीन 24,000, ठीक है। यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट।